तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बिहार में पलटू राम है और केंद्र में सल्टू राम है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब बाद में पता चला कि ये गड़बड़ मोदी। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था? ओ माय गॉड। नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। देखिए यहाँ तबियत संभालिए आप लोग, तबियत संभालिए। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। किसने पहचाना इनको? ये सब तस्वीरें, ये भी हमारे राजा बाबू की है। आइए नजदीक से देखिए, ये देखिए कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। ये देखिए कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। ये देखिए रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। ये देखिए मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। स्कूल क्या बोला तूने? अगर नोटबंदी एक्चुअली नोटबंदी तो थी नहीं, क्या था फिर? नोट बदली था। आज एक सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है आतंकवाद पे, क्या उसको ये देश के अर्थशास्त्री लोग नहीं देखेंगे? पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8% उतनी करेंसी वापस आ गई। बोलता है तो नहीं है। 99.8% में 0.2% बचा ना। Ha ha ha!